नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर नॉट डूइंग वेल। तो आज थर्सडे है, मैंने कब का काम उतार दिया है, रेडी हो गई हूँ, अभी बस खाना बनाना है मुझे। तो आज तो बिल्कुल इतना काम नहीं था, थोड़ा ही काम था, घर में सी नहीं था इतना, तो दिवाली की वजह से थोड़ा हो गया था जो घर, वो अभी सेट हो गया है बिल्कुल भी। तो आजल ने भी काम करवाया, तो थोड़ा थोड़ा काम किया, खाली फर्नीचर पूछा अच्छे से, इतना खराब नहीं था फर्नीचर, तो भी मैंने एक हाथ लगा दिया, जल्दी काम उतर गया। फिर मैंने शॉवर लिया, फिर अभी 1 बज रहा है, अभी खाने की तैयारी हो रही है। आज मेरे लंच में है मेरे फेवरेट सिंधी के भुगा चावल, यानी ओनियन वाले राइस एंड टूक, मीन्स आलू फ्राई जो आते हैं डब्बो, भुगा चावल एंड टूक, तो आज वो बनाने वाली हूँ, काजल का फेवरेट है, तो उसमें टाइम लगेगा। मैंने ओनियन पहले ही नहाने के टाइम जल्दी से मैंने ओनियन भी काट लिया था, जब तक मैंने काट के तैयारी की थी, जब तक फ्रीजर से गर्म पानी में निकल रहा था नहाने के लिए, जब तक मैंने वहाँ से किचन में जाके ओनियन भी काटा और जो आलू है उसको काट के उसको नमक भी लगा के रखा है, तो फिर जब नमक लगने में भी टाइम लगता है ना, फिर फ्राई करने होते हैं, तो मैंने पूरा काम कर लिया है। बस अभी जाके दोनों साइड गैस चालू करके मुझे फ्राई करना है और राइस बनाने हैं, तो तैयारी मेरी पूरी हुई है, मैंने पहले ही कर ली, तो अभी ये फटाफट हो जाएगा, तो फिर अभी भी आ जाते हैं खाने के लिए, तो इसके लिए अभी सीधा चलते हैं किचन में, टाइम वेस्ट नहीं करते। थे बहुत आलू के, बहुत ही बढ़िया, और नमक भी मजा है कि टूक में मेरे से कभी नमक कम या ज्यादा हो जाए, इतनी एक्सपर्ट हूँ मैं टूक तलने में, बहुत टूक हो या आलू का पराठा हो या कई ऐसी सारी चीजें जिसमें पाव भाजी हुई या क्या वो मैं बनाती हूँ ना, कभी वैसे तो कभी भी नहीं होता है नमक कम ज्यादा, तो कभी नहीं, इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ।
क्यों तो मैं तो प्रेशर कुकर की सीटी को ध्यान ना दूँ ना, तब भी मुझे पता चल जाए जाता है मैं भले ध्यान नहीं देती हूँ, सीटी कभी मैं गिनती नहीं हूँ कितनी लगी, ना ही मैं टाइम देखती हूँ, बस मुझे अंदाजे से पता चल जाता है अभी भाजी बन गई है, सब्जी बन गई है, अभी गैस बंद करनी है, एकदम से परफेक्ट बनी है, या चिकन भी जैसे कल रख के आई थी गैस पे तो वो भी अपने टाइम पे मैं बैठ गई थी गैस पे, खुद ही बन रहा था, बस सीधा जाके अभी बन गया होगा, अभी भून गया होगा या अभी रेडी हो गया होगा, इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ, मीन्स मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, सब अच्छे से मैं हैंडल कर लेती हूँ, तो एक्सपर्ट हो गई हूँ बहुत, इतने सालों से खाना बनाओ तो इंसान को वो हैबिट पड़ जाती है उस हिसाब से, तो एकदम परफेक्ट बने थे, मस्त नमक भी और क्रिस्पी भी बने थे, मस्त बने थे, खाने में अच्छा लगा। आज मम्मी को वो बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को तो आज बैठे थे वो बोल रहे थे मुझे टूक खिला, मुझे बहुत पसंद है तेरे हाथ के टूक, तो मम्मी ने बोला आज मुझे टूक खाने हैं, मेरे काजल के भी फेवरेट है तो बना लेती हूँ, कितने दिन से मैंने वैसे भी नहीं बनाया, दिवाली से बाहर आ रहा है इतना खाना बाहर से खाया या फिर होटल में खा के आए या तो सिंपल ही बनाया है, दिवाली की वजह से जल्दी करके मैंने खाना बनाया, फटाफट वाला जो ईजी बने वो बना रही थी, काम उतार रही थी खाना बनाने का भी, और कल तो अच्छे से चिकन खाया, इन्होंने भी अपनी कल डिमांड रखी मैं चिकन खाऊंगा तो वो भी पूरी हो गई, आज मम्मी की और काजल की डिमांड पूरी हो गई, तो एक एक करके अभी सबकी डिमांड पूरी हो रही है जो बोल रहे हैं वो बना रही हूँ, तो इतने दिन से ऐसा खाया था तो अभी ऐसा लग रहा है, तो सब इन्होंने भी बोला नहीं नॉनवेज नहीं खाया है दिवाली के टाइम पे, अभी बना तो वो भी अच्छा बना था, चिकन भी मस्त बढ़िया बना था, रात को वो तो पूरा एक ही टाइम पे जितना लेके आते तो मैंने बोलती हूँ इतना ही लेके आओ हिसाब से, फिर ज़्यादा बना लो फिर ज़्यादा वो रखने में आए टाइम वेस्ट हो जाता है, जितना खाते हो उस हिसाब से, तीन जने थोड़ा थोड़ा खाते हो उस हिसाब से लेके आओ तो उसी हिसाब से लेके आते, तो वो बराबर एक टाइम का हो गया था हमारा बराबर, वो भी रात को ही पूरा हो गया अच्छे से, और बना भी टेस्टी था बिल्कुल, ग्रेवी जिन जैसे इनको चाहिए वैसे ही बना दी, थिक खाते थिक ग्रेवी हो ज़्यादा, ग्रेवी में हो चिकन मटन ऐसे खाते हैं, ज़्यादा ऐसे रसे वाला नहीं हो तो वैसे नहीं खाते, क्योंकि तो रोटी के साथ खाते हैं ना, चावल के साथ खाते ही नहीं है, चावल के साथ खाओ तो आप रसे वाली चीज़ें अच्छी लगती है, मटन रसे में अच्छा लगता है या चिकन में अच्छा लगता है, कभी कभी बाय चांस बनाते हैं बोलते मटन के साथ या चिकन के साथ चावल बना तो आज मैं राइस खाता हूँ, कभी कभी बाय चांस, या तो फिर वो चिकन की अलग बिरयानी बनती है वो अलग बात है, बाकी ऐसे तो ऐसे ही खाते, ग्रेवी थिक को भाई रोटी के साथ अच्छा लगेगा, नान भी साथ में नहीं खाते, कभी कभी नान भी अच्छा लगता है नॉनवेज से, लेकिन नहीं इनको वही रोटी ही अच्छी लगती है, नहीं रोटी बना के दे बगैर घी की, खाली बेलने के टाइम पे घी लगाती हूँ थोड़ा आटे में, जिस टाइम पे बेलती हूँ उसी टाइम पे घी लगाती हूँ, बाकी तवे पे तो इनका तो ऐसे ही बनता है प्लेन बगैर विदाउट ऑयल के, काजल और मैं थोड़ा ऑयल खाते हैं, इतना नहीं डालते, थोड़ा ही ऑयल काजल और मैं खाते, बाकी कोकी में थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ ऑयल, काजल का हो मेरा हो इनका, वो कोकी भी विदाउट ऑयल के होती है बोलते, उसमें भी ऑयल नहीं, तो इनका पहले सब पहले इनका बनाती हूँ, रोटी पकानी हो तो तवे पे पहले इनकी पकानी है, कोकी बनानी है तो पहले इनकी पहले बनानी है, क्यों तो फिर तवे पे घी लग जाएगा, फिर बोलेंगे तूने ऑयल वाली बनाई इसके लिए पहले इनका, इनके तीनों रोटी निकल जाए या रोटी कोकी भी पहले इनकी बन जाए उसके बाद काजल और मैं अपना बना लेते हैं, फिर ऑयल पड़े पहले तवे पे वो भी ठीक है, वैसे करते हैं हम, सोने की तैयारी, आंटी का वेट कर रही हूँ, मम्मी भी कब का सो गए और अभी भी शॉप पे चले गए, उनको भी काम है तो आंटी के आसरे बैठी हूँ, तो आंटी अभी 3:30 हो रहे हैं, अभी तक आई नहीं है आंटी, अभी आएंगे थोड़ी देर में, उनको जैसे होता है वैसे आ जाते, कभी हम सो जाते 4 बजे भी आएंगे 4:30 भी आएंगे, जैसे उनको टाइम मिलता है वैसे आ जाते, तो फिर काजल बैठी रहती है काम करा लेती है बाधा नहीं, तो मैं सो गई तो सो गई, नहीं तो बैठी तो थोड़ी देर बैठती हूँ कि तो अभी खाया है, फिर टेबलेट ली मैंने, और कल रात को तो जैसे मैं आपको बता रही थी भाई पूरा दिन मैंने पेन किलर स्किप करने की नहीं ली कल, तो वो रात को मुझे लेनी ही पड़ी, रात को मैंने ली ही पेन किलर, क्यों तो मुझे वो पैरों में पेन हो ही रहा था, तो रात को पेन किलर ली, तो आज मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है, और सुबह से इतना रिलैक्स फील हो रहा है, काम भी अच्छे से हुआ, स्लो स्लो किया, इतना काम ठीक था ही नहीं, थोड़ा थोड़ा काम था, घर तो बस मस्त पड़ा था, कल से ही अच्छा पड़ा है घर, तो आज तो वैसे थकावट भी नहीं लग रही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है आज दिन मुझे, थोड़ा अभी सेट हुई हूँ, कहाँ पे त्यौहार आ रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं हमको सेट होने में, बाहर निकलो घर छोड़ के फिर घर में छोड़ के निकलो तो वो घर भी मेसी हो रहा है, तो बाहर निकलना प्रॉब्लम है, या तो कोई तो त्यौहार आता है तो भी चेंजेस आ जाती है, फिर थोड़े दिन उसको सेट करने में लग जाता है, कहीं पे मेकअप के सामान पड़े रहेंगे, कहीं पे क्या सामान है, कभी न्यू क्लोथ है वो अंदर बंद करने हैं, शूज़ या सैंडल्स न्यू निकाले वो बंद करके रखने हैं, वो तो मैं अपने ऐसे बंद करके रखती हूँ, जिप लॉक बैग है मेरी,
उसमें बंद करके रखती हूँ अपना शूज, जैसे उसको मट्टी नहीं लगे, क्योंकि तो न्यू है ना, डेली उसके मेरे अलग है, घूमने के अलग है, घर में पहनने का अलग है, यहाँ तक जाऊंगी इनके साथ तो अलग पहन के जाती हूँ, तो सब अलग अलग रखती हूँ मैं, तो वो ऐसे बंद करके रखती हूँ सेट करके, जैसे खराब ना हो, उनमें मट्टी ना जाए। तो अभी मैं सो जाती हूँ, सीधा ही नहीं मैं आपसे बात करती हूँ। बिजी हो गई थी मैं, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे भी जुकाम हो गया है, मुझे लग ही रहा था सुबह से, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अंदर है, तो क्लाइमेट यहाँ पे बहुत, मैंने आपको बताया बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो क्लाइमेट की वजह से थोड़ा चेंजिंग हो गई है बहुत, तो मुझे भी जुकाम लग रहा है। तो अभी मुझे वो रात को हनी और थोड़ी उसमें ब्रांडी एक ड्रॉप मिक्स करती हूँ एक चम्मच हनी में, तो वो पी के सोना पड़ेगा, उससे ही फ़ायदा बढ़ता है मुझे, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा अपनी तबीयत के लिए भी थोड़ा रात को। इसके लिए मैं ये व्लॉग अपना यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स,
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग मी। थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। टेक केयर। बाय बाय। मिलते हैं कल आपसे। लव यू ऑल।